वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ओके वेलकम एवरीवन। माय नेम अतुल वाशने, फैकल्टी ऑफ बीएस सक्सेस। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस चेंज इन सिलेबस इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो सबसे पहले मैं कुछ चेंज बताता हूँ जो आईआईटी बॉम्बे ने चेंजेस किया है इस साल। सबसे पहला चेंज आपको पता होगा कि थर्ड ईयर वालों को अलाउ कर दिया है। सेकेंड चेंज आपको पता होगा, एक स्टूडेंट दो गेट के एग्जाम दे सकता है। तो मैं आपको उसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला स्टूडेंट कौन कौन से एग्जाम दे सकता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टूडेंट है। याद रखना ये वीडियो खाली में तीन ब्रांच है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, खाली तीन ब्रांचों के लिए वीडियो है ये। मैं उसमें खाली सिलेबस किसका डिस्कस करने वाला हूँ, इन तीन ब्रांचों का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ या तो इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम या फिर फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हैं। फिजिक्स का गेट का एग्जाम होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट या तो इलेक्ट्रिकल का एग्जाम दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम दे सकते हैं या फिर फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो भाई ये तो है एलिजिबिलिटी की जो था, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो वो एक गेट का पेपर इलेक्ट्रिकल का दे सकता है और एक गेट का पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन का दे सकता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो वो एक गेट का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का दे सकता है और एक गेट का पेपर या तो इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर फिजिक्स का दे सकता है। सेम इंस्ट्रूमेंटेशन वाला स्टूडेंट या एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर तो देगा ही, एक उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स का एग्जाम दे सकता है। इनमें से एक ही चूज करना पड़ेगा। याद रखना ये राइट हैंड साइड में जो देखा, एक ही चूज करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस में क्या चेंज है। इस बार काफी सुनने को मिला है, काफी ज्यादा सिलेबस चेंज हुआ है। यस, काफी टॉपिक हटाए हैं और बहुत कम टॉपिक ऐड हुए हैं। मैं चलिए सबसे पहले आपको डिसीजन करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, थोड़ा फोकस करेंगे इस चीज पे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स। यदि मैं इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करूँ, देखना सुनना बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? न्यूमेरिकल मैथड चैप्टर पूरा हटा दिया, न्यूमेरिकल मैथड चैप्टर पूरा हटा दिया। और क्या हटाया है? एक रिग्रेशन हटा दिया, रिग्रेशन एनालिसिस, याद होगा पावर रिग्रेशन, लीन रिग्रेशन, और एक कोरिलेशन भी हटा दिया इन लोगों ने। कोरिलेशन से वैसे क्वेश्चन आते नहीं थे इस मैथ से, अभी तक आया नहीं था, मैंने इस साल मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हटा ही दिया। चलिए मैथ्स में ठीक है। तो अब भाई तीन टॉपिक तो ये हटा दिए, क्या कुछ ऐड हुआ है? नहीं, कुछ ऐड नहीं हुआ। तो ये तीन टॉपिक हटा दिए। देखिए इस बार क्या है, इस बार जो पेपर आएगा आपका, इस बार जो पेपर आएगा 100 मार्क्स का पेपर होगा गेट का, ठीक है। 100 मार्क्स के साथ साथ जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, 72 मार्क्स पूरा दिया है टेक्निकल को, 72 मार्क्स दिया है टेक्निकल को, और प्लस 13 मार्क्स दिया है इन्होंने इंजीनियरिंग मैथ्स को, इंजीनियरिंग मैथ्स को, और भाई 15 मार्क्स दिया है इन लोगों ने एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग वाले सब्जेक्ट को, एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग। तो आप सोचिए इस बार जो मैथ्स आने वाला है, 2 नंबर घट चुके हैं, 13 मार्क्स का आ रहा है मैथ्स, ठीक है। चलिए ये बात तो अलग है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं डिजिटल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करते हैं क्या है। तो भाई याद रखना सक्सेस वाले स्टूडेंट सारे सुनिए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो हम याद होगा 8085, अब आपको नहीं पढ़ना माइक्रो प्रोसेसर, आपको नहीं पढ़ना। उसके साथ साथ आपको ये भी नहीं पढ़ना, आपको PLA भी नहीं पढ़ना, आपको PLDs भी नहीं पढ़ना। देख लो कितना हटाया हुआ है, ये सब COVID-19 के चलते हटाया हुआ है, सारा सिलेबस को कम किया हुआ है। चलिए ये तीन तो हटा दिए, उसके साथ साथ एक चीज बढ़ा दी है। हाँ, ये टॉपिक न्यूली एडेड है, याद रखना क्या न्यूली एडेड टॉपिक है जो ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है भाई? एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐड हुआ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऐड हुआ है, ये कंप्यूटर। तो इसके बारे में आपको देखना होगा, ये आपको पढ़ना होगा, ये आप वरी मत करना है, यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो ऐड हुए हैं सब पढ़ाए जाएंगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐड हुआ है, यस। चलिए
ये था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, दो सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए, मैथ्स बता दिया क्या क्या चेंजेस है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चेंजेस है। अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? देखिए तीसरा सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में देखिए कुछ टेंशन की जरूरत नहीं नेटवर्क थ्योरी में, क्योंकि बिकॉज कोई चेंज नहीं है, जो गेट 2020 का सिलेबस था वही गेट 2021 का सिलेबस है, सो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। तो भाई कंट्रोल सिस्टम की यदि हम बात करें, कंट्रोल सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं है। तो भाई नेटवर्क कंट्रोल तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपके कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपके कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं आपके, चलते हैं सिग्नलिंग सिस्टम पे। सिग्नलिंग सिस्टम में जो टफ टॉपिक होते थे, जहाँ से क्वेश्चन बने थे, जो टफ टॉपिक आते थे, ठीक है, एफएफटी हटा दिया, ठीक है, डिजिटल फिल्टर हटा दिया, डिजिटल फिल्टर भी इन लोगों ने हटा दिया। एक रियलाइजेशन टॉपिक था, जैसे आपका कोई सिस्टम दे दिया उसको हम रियलाइज करते थे, ठीक है, तो ये भी हटा दिया। तीन टॉपिक हटाए, एफएफटी हटा दिया, डिजिटल फिल्टर हटा दिया और रियलाइजेशन भी हटा दिया। एडवांटेज देख रहे हो कितना ज्यादा हटाया हुआ है। चलिए इसके बाद अब बात करता हूं मैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बात करता हूं सिंपल सा कम्युनिकेशन सिस्टम, सोच समझना यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में काफी हद तक सिलेबस सेम है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, मैं बताता हूँ क्या चीजें चेंज हुई हैं। सबसे पहले एक टॉपिक था FDMA, CDMA, CDMA एंड द TDMA, ये आपके तीन टॉपिक थे। इसको हम एडवांस कम्युनिकेशन के टॉपिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक बोलते हैं। ये हटा दिए, एडवांस कम्युनिकेशन के टॉपिक हैं ये इन लोगों ने हटा दिए इस बार। और अब ऐड क्या करा इन लोगों ने एक साइक्लिक कोड CRC कोड ऐड कर दिया है। तो ये आप याद रखना, ये CRC कोड इस बार ऐड हुआ है। तो FDMA, CDMA, TDMA हटा दिया और CRC कोड ऐड कर दिया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये चेंजेस है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं कि खास क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आए हैं लेकिन ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बने कि ज़्यादा क्वेश्चन टफ बने, ठीक है। तो FDMA, CDMA, TDMA हटा दिया, CRC कोड को ऐड कर दिया। चलिए तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, आपके मैथ्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपके चार सब्जेक्ट ये हो गए। अब बात करते हैं आगे, सर बात करेंगे EMFT की। EMFT में क्या चेंज है, EMFT में चेंजेस है, क्या चेंजेस है सुनिए। EMFT में सबसे पहले एडिशन की बात करता हूँ, क्या ऐड हुआ है, सर्कुलर वेव गाइड ऐड कर दिया। देखिए जो चीज़ें ऐड हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें ऐड हुई हैं उन टॉपिकों पर फोकस करिएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली जब टॉपिक आपको दिए जाते हैं एडिशन के तो चांसेस है कि उनसे गेट के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐड हुआ है, जब ये टॉपिक ऐड हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके साथ साथ जो टॉपिक हटे हैं वो आप सुनिए। देखिए टॉपिक साफ साफ जो आपका हटा है, बेसिक्स ऑफ रडार एक था, बेसिक्स ऑफ रडार EMFT में, वो इन लोगों ने हटा दिया, बेसिक्स ऑफ रडार। तो उसमें क्या है, रडार का ज्यादा हाईफाई नहीं पढ़ना पड़ता था, थोड़ा बेसिक्स पढ़ना पड़ता था रडार का, तो इन लोगों ने रडार को हटा दिया है। तो याद रखना ये चीज, रडार इन लोगों ने हटा दिया है। चलिए ये आपका चेंजेस है, ठीक है। और अभी ना एंटीना का जो सिलेबस है, एंटीना का सिलेबस पहले इलेबोरेट किया हुआ था ये 2020 में। इलेबोरेट का मतलब कैसे इलेबोरेट किया हुआ था, पूरा लिखा हुआ था कि भाई डायरेक्टिविटी क्या है, डायरेक्टिव गेन, ये सब चीज। अब की बार ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब मोनोपोल और डायपोल ये सब एंटीना है सिलेबस में, और ये तो हमको ये पढ़ने ही होंगे। तो आप याद रखिए कि एंटीना में मैं कोई चेंज नहीं बोल रहा, सिंपल सा लिखा हुआ नहीं है कुछ चीज, लेकिन चेंज नहीं है कुछ। तो जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो बात है कि सिलेबस काफी आपने सिलेबस देखा, सिलेबस हटाया ज्यादा है, कम, बहुत कम हुआ है। तो ये पूरा सिलेबस आपका मेरे हिसाब से एक बच गया, EDC, एक आपका EDC और बच गया। EDC मैं बता चुका हूँ शायद, EDC के बाद बात कर लेते हैं। EDC में क्या चेंज हुआ है तो सुनिए, EDC में सिंपल सा एक चेंज है, छोटा सा चेंज है। एक IC फैब्रिकेशन एक चैप्टर होता था, IC फैब्रिकेशन, सो IC फैब्रिकेशन चैप्टर इन लोगों ने हटा दिया। आप देखते जाइए हटाया बहुत कुछ, IC फैब्रिकेशन हटा दिया। आप बोलो सर एडिशन कोई खास एडिशन नहीं है, एक लिखा हुआ है डायरेक्ट बैंड गैप एंड द इनडायरेक्ट बैंड गैप, वो पहले भी पढ़ते थे अब भी पढ़ना है,
स्पेसिफिकली दे दिया है तो आप समझ लो कि हाँ टॉपिक सिलेबस में पार्ट है, पहले भी था अब भी है, पहले भी पढ़ाते थे अब भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। तो ये पूरा था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, आपने देखा भाई बहुत बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज कितना ज्यादा सिलेबस हटा दिया। चलिए जो सिलेबस हटा दिया वो आप फोकस कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट हो गए, एक एनालॉग और रह गया था, एनालॉग और बता देता हूँ एनालॉग के बारे में, आपके एनालॉग और रह गया है, सारे सब्जेक्ट एनालॉग मैंने पहले बताया नहीं है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स, दिस डिजिटल, नेटवर्क कंट्रोल, सिग्नल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज EMFT, EDC, नेक्स्ट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बात सुनिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट है ये, इसमें भी हटाया है, क्या क्या हटाया सुनिए, टाइमर 555 हटा दिया, टाइमर 555 हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर भी हटा दिया, और नेक्स्ट साइनोसॉइडल ऑसिलेटर भी हटा दिया, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर भी हटा दिया इन लोगों ने। तो भाई खत्म ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का मैंने पूरा कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ये चेंजेस हुए हैं, आपने देख लीजिए एडवांटेज है, ज्यादा सिलेबस हटाया है, एडिशन बहुत कम हुआ है। चलिए अब बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अब आप देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्या क्या चेंजेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पूरा बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सुनिए सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथ्स में बताइए, इंजीनियरिंग मैथ्स में क्या चेंज है, इंजीनियरिंग मैथ्स में देखिए जो चेंज जो वहां पे न्यूमेरिकल मेथड हटाया था वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड आपके चैप्टर आपके सिलेबस से भी हटा दिया। लेकिन रिग्रेशन की बात करें, रिग्रेशन सिलेबस का पार्ट है, रिग्रेशन सिलेबस का पार्ट है, मैथ्स में खाली न्यूमेरिकल मेथड हटाया है, याद रखना रिग्रेशन पहले भी था और अब भी है, रिग्रेशन नहीं हटाया, इसी वालों को हटा दिया, रिग्रेशन हटा दिया, कोरिलेशन हटा दिया, यहाँ पे दोनों है, समझ गए होंगे इंजीनियरिंग मैथ्स में। चलिए दूसरा सब्जेक्ट है माइक्रोप्रोसेसर, म्यूपी माइक्रोप्रोसेसर 8085 आपको नहीं पढ़ना, इस बार आपको नहीं पढ़ना 8085, क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है मैथ्स हो गया माइक्रोप्रोसेसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क थ्योरी की, नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं, सुनना नेटवर्क थ्योरी में क्या चेंज, नेटवर्क थ्योरी में इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने एक छोटा सा चेंज कर दिया, ग्राफ थ्योरी जो सिलेबस में था पहले वो इन लोगों ने हटा दिया। याद रखना मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, गेट 2020 गेट 2021, ठीक है, क्योंकि हम जो पहले लेके चल रहे थे, जो हम पढ़ा रहे थे वो गेट 2020 को लेकर पढ़ा रहे थे, अब लेकिन बिकॉज सिलेबस में चेंजेस है, जो जो आपके सब्जेक्ट कम्प्लीट हो चुके हैं सक्सेस वाले स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो वहां पे क्या क्या वेरिएशन है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या और पढ़ाया जाएगा एडिशनल, तो वो आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स ऐड है, ये टॉपिक रिमूव्ड है। चलिए तो नेटवर्क थ्योरी सबको क्लियर है, नेटवर्क थ्योरी में आपका क्या हुआ, नेटवर्क थ्योरी में आपका ये चेंजेस हुआ है, ग्राफ थ्योरी हट गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चौथा सब, इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट इज EMT, क्या EMT में कुछ चेंज है EMT में, तो EMT में सुनिए आप लोग, EMT में क्या है आपका, कोई भी चेंज नहीं है, तो EMT में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स तो आपने देख लिया, अभी भी देखिए 8085 हटा दिया, ग्राफ थ्योरी हटा दिया, नंबर मेथड हटा दिया, हटा जा रहे हैं, एडिशन कुछ नहीं हो रहा है, एडिशन बहुत कम हो रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, अब बात है सिग्नल एंड सिस्टम, क्या सिग्नल एंड सिस्टम में कुछ एडिशन है, तो आपको बता दूं, देखिए एक टॉपिक इन्होंने लिखा है एडिशन, जो इस बार न्यू टॉपिक देखने को मिला है वो इन्होंने लिखा है RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनी जनरल पीरियोडिक फंक्शन, ये इन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपको नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया जाता है, तो मैं ऐसा कोई अलग सिलेबस नहीं बता रहा कि ये ऐड हुआ है, ये एडिशन है, लेकिन मैं ऐसा कोई डिफरेंट वाला नहीं है कि कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि RMS निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना किसी पीरियोडिक वेवफॉर्म का, वो आपको नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग वो वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, मशीन में कुछ चेंज हुआ है, मशीन में कोई चेंज नहीं है, मशीन में नो चेंज, ठीक है।
क्या पावर सिस्टम में चेंज हुआ है? पावर सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं है, जो सिलेबस पहले था वो सिलेबस अब है, सो नो चेंज। क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज हुआ है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोगों को कोई चेंज नहीं है, तो आप वरी मत करिए, जो सिलेबस गेट 2020 में था वही सिलेबस गेट 2021 में है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं है, कंट्रोल सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और फिर आपका है मेजरमेंट, मेजरमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, मेजरमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। फिर है आपका एनालॉग, एनालॉग में भी कोई चेंज नहीं है। फिर है आपका डिजिटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई चेंज आपका नहीं है। आपने देखा कि भाई इन सभी सिलेबस जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते थे, याद है कि कौन से मेजर सब्जेक्ट है? ये तीन मेजर सब्जेक्ट है, मशीन, पावर सिस्टम एंड द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में चेंज नहीं है, मेजरमेंट में चेंज नहीं है, एनालॉग में चेंज नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज नहीं है। चेंज खाली जो सब्जेक्ट है मैंने पहले लिख दिया है, सिग्नलिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथ्स, माइक्रोप्रोसेसर, नेटवर्क थ्योरी में, बस EMT में भी चेंज नहीं है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट भाई, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स। यदि आप ऐसे कोई है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट जो चाह रहा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम भी दूंगा, तो आप देख लीजिए सिलेबस क्या क्या चेंजेस है, आपको पता लग जाएगा क्या क्या तैयारी करनी है। चलिए बताता हूँ। वैसे देखिए काफी सब्जेक्ट कॉमन है, काफी सब्जेक्ट कॉमन है, तो आपको मैं बताता हूँ डिटेल में कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चेंजेस है। तो सुनिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहली बात, इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स में क्या कोई चेंज हुआ? इंजीनियरिंग मैथ्स में कोई भी चेंज नहीं है, इंजीनियरिंग मैथ्स में कोई भी चेंज नहीं है। आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल मेथड हटाया है, न्यूमेरिकल मेथड नहीं हटाया, न्यूमेरिकल मेथड देख लो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, न्यूमेरिकल मेथड को नहीं हटाया, ये रिमेन्स है, पहले भी था अब भी है। तो भाई इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में याद रखना इंजीनियरिंग मैथ्स में न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा है ई एम टी। देखिए जो EMT का सिलेबस इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल जो सिलेबस है, तो वही सिलेबस इंस्ट्रूमेंटेशन का है। EMT का जो सिलेबस इलेक्ट्रिकल का है, सो मैं बोल देता हूँ सेम एज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का सेम सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिकल EMT सेम एज EE। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज भाई? एक मशीन ऐड हुआ है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, सो मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, इस पे आप लोग नोटिस कर लेना, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए मशीन ऐड हुआ है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर है, इलेक्ट्रिकल मशीन एडेड, सिलेबस पूरा सिलेबस दे रखा है इलेक्ट्रिकल मशीन का, ये एक ऐड हुआ है सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। चलिए बात करते हैं फोर्थ, एनालॉग, एनालॉग, एनालॉग काफी हद तक सिलेबस सेम है, एक टॉपिक ऐड हुआ है, क्या टॉपिक है? सोर्सेस, एक टॉपिक ऐड हुआ है, क्या टॉपिक ऐड है देख लीजिए, सोर्सेस एंड इफेक्ट्स, सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस, एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये टॉपिक एड हुआ है एनालॉग में, ये टॉपिक एड हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। आप समझ लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट, यदि आप इसका एग्जाम दोगे इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो आपको मशीन भी पढ़ना पड़ेगा, जो एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो एक बड़ा सब्जेक्ट है मशीन। चलिए तो इंजीनियरिंग मैथ समझ में आ गया, EMT इलेक्ट्रिकल मशीन, एनालॉग, क्या क्या चेंजेस है, तो आपको दिख रहा है सर इसमें एडिशन कुछ ज्यादा हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन में। यस, इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा सा एडिशन ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज ये पूरा सब्जेक्ट ऐड कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए नंबर फाइव बात करते हैं, नंबर फाइव इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चेंज है क्या? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएलसी पूरा ऐड कर दिया, पीएलसी इज ऐड हो गया, पीएलसी इज एडेड, न्यू टॉपिक इज एडेड पीएलसी, वहां पे हटा दिया था पीएलए और पीएलडी, यहां पीएलसी ऐड कर दिया, पीएलसी इज एडेड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर सिक्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, मेजरमेंट में कोई चेंज है? मेजरमेंट में नो चेंज। सेंसर्स, एक सब्जेक्ट होता है इनका सेंसर्स, सेंसर्स में कोई चेंज है? नो चेंज। नंबर एट, नेटवर्क थ्योरी में कोई चेंज है? नेटवर्क थ्योरी में नो चेंज। तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं है आपका, नेटवर्क थ्योरी में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट सुनिए, सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम में कोई चेंज है? सिग्नल एंड सिस्टम में नो चेंज। जो सिलेबस गेट 2020 का था वही सिलेबस गेट 2021 का है। नंबर 10, कंट्रोल सिस्टम में कोई चेंज है? कंट्रोल सिस्टम में नो चेंज, कंट्रोल सिस्टम में आपका नो चेंज। तो आपने देखा काफी हद तक नो चेंज है, एडिशन ज्यादा है, हटाया कम है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। चलिए लास्ट लास्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल, एक जो सब्जेक्ट होता है आप लोगों को जिसमें कम्युनिकेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल्स, उसमें क्या ऐड हुआ है सुनिए, कम्युनिकेशन ऑप्टिकल्स में क्या ऐड हुआ है, वहां पे आपके दो टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या क्या? एक ऐड करा है इन लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐड किया है, और एक ऐड किया है यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और एक ऐड किया है इन लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये ऐड हुए हैं, ये ऐड हुए हैं इस बार। तो आप लोगों ने देख लिया क्या क्या एडिशन है, क्या क्या सब्ट्रैक्शन है। तो आप लोग थोड़ा सीरियस प्रिपेयर करिए सिलेबस को, अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, क्योंकि गेट की स्पेशलिटी है आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता। तो आपको यही बताने वाला हूँ कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आपके हटा दिए हैं उनको मत रीड करिए, ठीक है? तो आप पूरा बता दिया इस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, आप लोग करस्पॉन्डिंगली नोट कर लीजिए कि आपके क्या क्या चेंजेस हैं। मैंने कंपेयर किया है गेट 2020 का सिलेबस, गेट 2021 का सिलेबस, क्या क्या एडिशन, क्या क्या रिमूव, इस लेक्चर में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।